गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस आज है 31 अगस्त और आज जैसे कि मैंने बताया था कि हमें आधार कार्ड अपडेट करवाने जाना है। और आज एक और गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि आज मैं ले रहा हूँ एक नया मोबाइल, मतलब कि नया। तो आज हम लोग लेंगे नया मोबाइल। तो अभी पहले मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस बरेली के, वहाँ जाके मुझे आधार कार्ड अपडेट करवाना है, फिर वहाँ से चलते हैं मोबाइल लेने अनंत के साथ। और जो मोबाइल है मैं मतलब कि अभी डिसाइड नहीं करा है, सोच रहा हूँ कि रियलमी लूँगा या फिर सैमसंग लूँगा अगर हो सका तो। और मतलब कि बजट जो है मेरा 15,000 ही है, बाकी वहाँ जाके डिसीज़न लेंगे। अगर मतलब होता है ना शॉप पे जाके डिसीज़न चेंज हो जाता है, देखते हैं कि कौन सा मोबाइल ले पाते हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है, डेली ब्लॉग चैलेंज जो मैंने लिया था उसका दूसरा दिन मैंने लिया है। तो मुहिम तो मेरी यही है कि 4 दिन मैं लगातार ब्लॉग करूं। कल भी ब्लॉग आया और आज है 31 अगस्त, तो आज भी ब्लॉग आएगा। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि एडिट करके पूरा परफेक्ट ब्लॉग करके आज आपको ब्लॉग दिखाई दूँ। तो 3 सितंबर को मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ मुझे विश कर लेना और मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा, पकाता रहूँगा जब तक आपके दिमाग में जहन में नहीं बैठ जाता कि 3 सितंबर को भाई का बर्थडे है। चाहो तो मेरे घर पे गिफ्ट भी भेज सकते हो, बरेली में रहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अपना इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो कि क्या गिफ्ट देना चाहते हो मुझे, मैं एक्सेप्ट करूँगा यार, आई विल एक्सेप्ट योर गिफ्ट। चलते अब नई लोकेशन पर, पहले पानी पी लूँ यार, पानी वानी पी के चलो ना, फिर मास्क वास्क भी पहन लिया मैंने। मिलिए मेरे सर से, ये सर हैं हमारे, विकास सर हैं हमारे। और मेरी जितनी भी वीडियोस जो अपलोड होती है वो यहीं से मैं आके अपलोड करता हूँ, क्योंकि सर के यहाँ वाईफाई है। तो अपनी जितनी भी वीडियो अपलोड होती है वो 2 GB या 3 GB लग जाता है, इसलिए मैंने सर से बोला था कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर, तो सर ने स्पेशली वाईफाई लगवाया भैया। तो वाईफाई यहाँ लगा रहता है, तो मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर रखा है इनके यहाँ से। तो यहाँ आता हूँ और कनेक्ट करके वीडियो अपलोड कर लेता हूँ यहीं से। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे सब्सक्राइबर्स को? ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, जो मेहनत करे उसको सपोर्ट करना चाहिए। पता है मास्क लगाओ तो यार पसीना पसीना हो जाता है इतना हिस्सा जो मुँह है। मैं हैंकी भी नहीं लाया, तभी मैं ऐसे ऐसे करके पहुँचता हूँ तो ये सब जो मेरे हैं जो गंदे हो जाते हैं यार। ब्लॉगिंग के टाइम पे क्या होता है पता है, मैं ये चीज़ अपने में आजमा रहा हूँ कि मैं जो जगह पे होऊंगा वो जगह मैं भूल जाता हूँ या फिर कुछ नाम भूल जाता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें भूल जाता हूँ। कुछ पॉइंट पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वो जगह भूल जाऊँगा या कोई वर्ड भूल जाऊँगा, प्रॉपर जो वर्ड होता है कुछ कहना होगा वो भूल जाऊँगा कि क्या कह रहा था, या बाल संभाल रहूँगा ऐसे जैसे अभी संभाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ तब होती है जब मैं मतलब हिचकिचाहट में आ जाता हूँ या फिर थोड़ा सा मतलब ये पब्लिक प्लेस अभी आ गया है ना, तो उस वक्त ऐसा ही हाल मेरे साथ हो जाता है। तो अपना हिसाब कुछ ऐसा है कि अपने को पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे वॉक करना या फिर कहीं पर भी पैदल जाना। अब पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ तो अपने घर से मेरा पोस्ट ऑफिस काफ़ी दूर पड़ता है, तो मैं अब वहाँ पर पैदल जा रहा हूँ अपने घर से, सुभाष नगर से पोस्ट ऑफिस जो पंच बेकरी के पास है। अगर कोई बरेली का बंदा है तो उसे पता होगा कि काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मैं तभी पैदल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार पैदल चलना। मतलब ये मजबूरी टाइप नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहूँ तो बुला सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। टेम्पो के लिए पैसे भी हैं, लेकिन नहीं, मुझे जाना है तो पैदल ही जाना है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे यार। तो अपने लोग पहुंच गए बरेली के पोस्ट ऑफिस में, यही होता है आधार कार्ड अपडेट। यहाँ तो अच्छी खासी लाइन है यार, काफ़ी साफ़ सुथरा बना रखा है इन लोगों ने। सब उनके कागजात लाए हूँ तो अब देखता हूँ ये काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी यहाँ बाहर भी लिखा हुआ है कि आपको वेबसाइट पर पहले अप्लाई करना होगा, अगर अप्लाई नहीं करते हो तो आपका जो आधार कार्ड है वो मतलब एप्लीकेशन के बिना नहीं बन पाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, मैं पहली बार ही आया हूँ। पहुँचने के बाद भी काम नहीं हो पाया अपना। पहले वहाँ गए अपने लोग पोस्ट ऑफिस गए, मैंने बोला सर ये है ऐसे, फिर बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट मत लो, वहाँ से फ़ार्म लो गार्ड साहब के यहाँ से, वो बोल रहे हैं फ़ार्म नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि कल आना, आप बंद हो गया ऑफिस क्या यार। और फिर मैंने बोला कि सर मतलब कि जिसका आधार कार्ड बनता है, पूछा मैंने कि उसको आना ज़रूरी होता है, फिर वो बोल रहे कि हाँ आना ज़रूरी होता है। मैंने बोला सर ही इज़ नॉट एबल टू जस्ट वॉक एंड हियर एंड देयर, तो वो बोले कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने वो बोला कि ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, बोले आना तो पड़ेगा। फिर बोले कि चलो ठीक है मैं ले आऊँगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं ले आऊँगा, काम तो हो जाएगा ना, एक बार दो बार आएंगे फिर परेशान होंगे। तो बोला कि हो सकता है कि 3 बार भी आना पड़े, 4 बार भी आना पड़े, फिर भी ना काम हो। मतलब यार ये क्या बात होती है यार, आधार कार्ड अपडेट कराना है। ये काम कैफ़े में मैंने गया था तो बोल रहे हैं कैफ़े वाले कि हमारे बस का काम नहीं होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक दोस्त के यहाँ मैंने उसको फ़ोन लगाया, उससे बोला कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट लेना होता है तो यार वो तो दिलवाई दो, वेबसाइट का नंबर मैं कैप्चर कर लिया उसमें। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ कैफ़े, फिर वहाँ से अपॉइंटमेंट ले के फिर ये काम देखते हैं कि क्या होता है यार, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अपॉइंटमेंट ले लिया है, उसका जो आधार कार्ड का अपॉइंटमेंट था वो कैफ़े में गया और कैफ़े में जाके अपॉइंटमेंट लेटर जो भी बनता है वो मैंने बनवा लिया। अब मैं जाऊंगा फूल लेने अनंत के साथ। घर पे आ गए हो, घर पे पानी वानी पी लूँ, फिर जाता हूँ फ़ोन लेने। और फ़ोन भी हम लोग मतलब कि EMI पे लेने जा रहे हैं और अभी बस देखने जा रहे हैं। अगर पसंद आता है, बात अगर बनती है जो हम चाह रहे हैं वो अगर हो जाता है तो मोबाइल आज ही आज ले लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं पहले इसके काम से, फिर वहीं से हम लोग चलेंगे मोबाइल लेने। तो आज हम लोग मोबाइल लेंगे, तो अनंत के साथ ही जा रहा हूँ मैं मोबाइल लेने। इसको अपग्रेड कर रहा है ये उसको आने लगी यूट्यूब की। इसको पता रहता है ना कि मतलब कि कैसा मोबाइल क्या है, मुझे इतना नॉलेज वॉलेज है नहीं। अभी हम लोग आ गए हैं उसी शॉप पे जिस शॉप पे हम लोग बात कर रहे थे मोबाइल लेने की। नया तो अभी बताएंगे कौन सा फ़ोन लिया है, तो अभी पेपर वर्क हो रहा है, सस्पेंस में रहिए आप लोग। हाँ, फ़ोन की जो भी इनको मतलब करते हैं EMI नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, बहुत कुछ करना। बहुत अच्छी सी शॉप है, यहाँ बहुत कुछ मिलता है। फ़ैन है और ये फ्रिज है, LED TV, स्मार्ट TV, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। A1 दुकान है ना। इंश्योरेंस भी होता है यार यहाँ 599 का। हम लोग ने फ़ोन ले लिया है और अभी आपको घर चल के दिखाते हैं कि कौन सा फ़ोन लिया है। अनबॉक्सिंग देख लिया होगा आपने, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। नया फ़ोन ले लिया है। मेरे घर आई एक नन्ही परी। मैंने बैग आगे टांग रखा है कि भाई फ़ोन जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए घर पे फ़ोन जाना चाहिए, मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ। फाइनली हम लोग ले आए अपना, ये है मोबाइल भाई, देखो Realme Narzo है ये, उसमें 3 कैमरे हैं, बहुत ही अच्छा लगा ये। इसका जो ये बैकग्राउंड में जो ये ऐसे शाइनिंग है ना, ये बहुत, देखो ये चार्जर इसका, और ये पापा के लिए लिया हमने ये जो वाला मोबाइल है, क्योंकि पापा के पास ये छोटा सा बहुत बेकार मोबाइल था, एकदम टूटा भाई। जैसे चलाते हैं कैसे चलाते हैं हाँ वो ही जानते हैं, हम नहीं जानते। एकदम बेकार कंडीशन में एकदम टूट फूट गया था, तो पापा का बहुत ज़रूरी काम रहते हैं, मतलब कि बिजनेस का काम रहता है, तो हमने सोचा एक बार में अच्छा ही फ़ोन ले लो, तो ये फ़ोन ले आए हम लोग। और भाई प्रभु को बहुत धन्यवाद उस फ़ोन के लिए, Realme Narzo। चलो अब वीडियो का एंड करते हैं। अभी बज रहे हैं 7:36 और भाई ये वीडियो मुझे आज ही डालनी है, तो चैलेंज ले लिया तो अब डालनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो और मैंने जल्दी इसे एडिट करी जस्ट अभी मतलब कि अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग के बाद जैसे ही ये सीन कंप्लीट करूँगा फिर एडिट करूँगा। तो थैंक यू प्रभु यीशु मसीह कि आपने ये नया मोबाइल दिलाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि हमारे घर में आई एक नन्ही परी। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और हाँ, कोई भी YouTube पेमेंट से मैंने ये नहीं लिया भाई, पापा के पैसे से लिए हैं, तो वो भी EMI पे लिया है अभी, ठीक है। तो बस मोबाइल ले लिया है, तो फिर ये मियाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में और डेली व्लॉग्स 3 में, मतलब कि जो 3rd डे होगा कल भी व्लॉग आएगा और आज व्लॉग में डाल दूँगा, ठीक है। बाय, सी यू, गुड नाइट।